सो जैसा कि स्क्रीन पर तुम देख सकते हो भाई, जब यूट्यूब में इंटर करता हूँ सर्च बार में टाइप करता हूँ अनुज टेक। जब मैं यहाँ पे अनुज टेक अपने चैनल का नाम लिख के इंटर करता हूँ एंड यहाँ पे मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अनुज टेक जो सबसे पहले ऊपर नंबर वन पे जो चैनल रैंक कर रहा है मैंने उसे ओपन किया। ये तो मेरा ही चैनल है जो एक नंबर पर रैंक कर रहा है। अब यहाँ पर बात आती है कि अनुज टेक नाम से इस पर कई सारे चैनल्स बने हुए हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? जो कि जो हमसे पुराने भी चैनल बने हुए हैं जो काफ़ी टाइम से चले भी आ रहे हैं, उनके सब्सक्राइबर भी ज़्यादा हैं, साथ में उन पर वीडियो भी ज़्यादा पड़ी हुई हैं, फिर भी वो चैनल सर्च में क्यों नहीं आ रहे हैं? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, यहाँ पे आप इस डिस्प्ले पे देख सकते हो 99.1% लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जो कि वीडियो देखते हैं। तो यार आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अभी सबसे पहले अपने फ़ोन में हम फायरफॉक्स ब्राउज़र को ओपन करेंगे एंड सर्च बार में youtube.com डाल के सर्च करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे हम नीचे थ्री डॉट हैं तो ये इन थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एंड यहाँ से हम डेस्कटॉप साइट इनेबल कर देंगे। डेस्कटॉप साइट इनेबल करने के बाद में यहाँ पे लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा और उसके बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होने के बाद में हम इसे जूम इन करेंगे एंड यहाँ पे अपने चैनल वाले लोगो वाले आइकन पे क्लिक करके जब यहाँ पे क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पे वाईटी स्टूडियो जो लिखा है तो हम यहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे एंड वाईटी स्टूडियो ओपन होने के बाद में यहाँ पे कुछ इस तरीके का चैनल का इंटरफेस होगा और यहाँ नीचे लेफ्ट साइड में बिल्कुल डाउन की तरफ एक सेटिंग का ऑप्शन दिया होगा। जो चैनल का आपका डैशबोर्ड है उसमें देखना आप बिल्कुल लेफ्ट में नीचे बिल्कुल, तो यहाँ पर जो सेटिंग का ऑप्शन है हम इसे जूम इन करके सेटिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम जूम इन करके यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक किया एंड उसके बाद में अब यहाँ पे सेटिंग ओपन हुई तो यहाँ पे हम चैनल वाले ऑप्शन पे जाएंगे। चैनल वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में यहाँ पे लिखा है बेसिक इन्फो, तो यहाँ पे बेसिक इन्फो में आप देख सकते हो कि हमारा जो कंट्री है वो इंडिया मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि मैं इंडिया से हूँ एंड यहाँ पर अनुज टेक कैपिटल लेटर में भी लिखा है, मैंने स्मॉल लेटर भी लिखा है एंड टेक विद अनुज और लिखा है साथ में टेक्निकल अनुज। ये मैंने इतने कीवर्ड अपने चैनल के लिए डाले हैं। ये कीवर्ड मैंने अपने चैनल के लिए इसलिए डाले हैं क्योंकि जब कोई अनुज टेक या टेक अनुज या टेक विद अनुज या टेक्निकल अनुज डाल के सर्च करेगा तो ये उसमें क्या है, ये टैग हमारे चैनल को सर्च होने में हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने चैनल में भी जिस तरीके से आप जिस कैटेगरी में आपका चैनल है जिस नेम से है तो आप उस टैग से रिलेटेड या उस नेम से रिलेटेड 4-5 टैग अपने चैनल में डाल सकते हो जिससे कि आपका चैनल सर्च में आएगा। तो ये ट्रिक थी जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी यहाँ पे मैं वापस इसके सर्च बार में अनुज टेक डाल के सर्च करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने अनुज टेक डाल दिया है एंड यहाँ पे मैं फिर से आप लोगों को एक बार सर्च करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये मैंने सर्च कर दिया है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी मेरा अनुज टेक सर्च में सबसे ऊपर चैनल आ रहा है एंड तो अनुज टेक नाम से और जो भी चैनल है जितने भी तो सारे के सारे चैनल नीचे हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने आप लोगों को ये ट्रिक तो बता दी है, आप लोग इस ट्रिक को अपने चैनल पे यूज करना एंड मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा ये ट्रिक।